हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो हम समय समय पर छोटी छोटी बातें आपके सामने लाते हैं। कई बार उससे आपका ज्ञानवर्धन भी होता है, आप सीखते हो चीज़ों को, और वो इम्पॉर्टेंट बातें ही होती हैं जो मैं यहाँ पर करता हूँ इन छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स के फॉर्म में। आज मैं बात करने वाला हूँ जेई एडवांस में बहुत पहले अर्ली 90s में एक क्वेश्चन आया हुआ है, कैथोडिक प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल एनोड भी बोलते हैं उसको। सो व्हाट इज़ इट? तो लिखो कैथोडिक प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल एनोड क्या है ये? दिस इज ऑल अबाउट द मिनिमाइजिंग द कोरोजन प्रॉब्लम ऑफ आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स। तो स्टील ऑब्जेक्ट्स की जो रस्टिंग की मेन मेजर प्रॉब्लम है, क्या होता है, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में, आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और रस्ट बनाता है, रेडिश ब्राउन पोरस लेयर बन जाती है ऑन द मेटल सरफेस, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी इज वेस्टेड एवरी ईयर ऑफ एवरी कंट्री बिकॉज ऑफ द रस्टिंग प्रॉब्लम। तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है, दिस इज द मेथड टू मिनिमाइज रस्टिंग ऑफ आयरन स्टील बिग ऑब्जेक्ट्स लाइक हल्स ऑफ शिप्स, प्लेटफॉर्म ऑफ ऑफशोर ऑयल रिग्स। जैसे ऑफशोर ऑयल रिग्स का मतलब क्या होता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब निकालते हैं ऑफशोर, तो वहाँ पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं लोहे का, स्टील का होता है वो, एक्चुअली माइल्ड स्टील होता है, लोहा मतलब माइल्ड स्टील। तो वो रस्टिंग की प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है, और खासकर सेलाइन एटमॉस्फेयर में जहाँ सॉल्ट्स की प्रेजेंस हो, जब भी तो समुद्र के किनारे जो लोहे के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रस्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। सिमिलरली हल्स ऑफ शिप्स की जो मेजर बॉडी है, बड़ी बॉडी, उसको रस्टिंग की प्रॉब्लम मिनिमाइज करने के लिए हम ये कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। तो जैसे कोई आयरन का बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे ही अगर यूज़ करेंगे तो सेलाइन एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन क्या करेगा, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रस्ट बनाएगा Fe2O3.XH2O। दिस इज रस्ट, जिसे बोलते हैं जंग लगना, हिंदी में बोलते हैं जंग लग गया लोहे को। तो ये एक तरीके से ऑक्सीडेशन हुआ, जीरो से ये प्लस थ्री में चला गया, सो आयरन इज ऑक्सीडाइज। आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, आयरन अभी तक एनोड है, आयरन इज ऑक्सीडाइज मींस आयरन इज एनोड, ये एनोड की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, बट इसे कैथोड बना दिया जाता है। कैसे? कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, इस बड़े से ऑब्जेक्ट पे, जैसे हल ऑफ शिप है या प्लेटफॉर्म ऑफ ऑफशोर ऑयल रिग्स हैं, इसको स्ट्रैप कर दिया जाता है विद अ पर्टिकुलर हाईली एक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम और जिंक। दिस इज सैक्रिफिशियल एनोड, सैक्रिफिशियल एनोड का मतलब इसकी बलि दे दी गई, सैक्रिफाइस करना मतलब बलि देना, तो सैक्रिफिशियल एनोड मतलब इसको एनोड बना दिया गया। अब क्या होगा, मैग्नीशियम और जिंक मोर एक्टिव मेटल हैं देन आयरन, तो आयरन के ऑक्सीडेशन की जगह पहला ऑक्सीडेशन का अधिकार किसका है, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम जो है या जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे Mg2+ या Zn2+ +2e, और ये इलेक्ट्रॉन एक तरीके से इधर मूव करेंगे और ये प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगा, अब ये एनोड बन गया। और यहाँ जो आयरन ऑक्सीडाइज हुआ था Fe2+ या Fe3+, ये अब रिडक्शन हो जाएगा और ये आयरन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, या फिर यूं कहो कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन है इट इज स्लोड डाउन, आयरन का ऑक्सीडेशन स्लोड डाउन, अब ये एनोड बन गया। तो ये जो आयरन का ऑब्जेक्ट है अब क्या बन गया, नाउ इट इज कैथोड, जो पहले रस्टिंग प्रोसेस में एनोड था वो आयरन का ऑब्जेक्ट या स्टील का ऑब्जेक्ट अब कैथोड बन गया। कैथोड बनने से जो रस्टिंग का प्रॉब्लम है दैट हैज बीन रिवर्स्ड, रस्टिंग प्रॉब्लम इज मिनिमाइज्ड,
इसके बदले में बलि किसकी दे दी गई, सेक्रीफाइस कौन किया गया, एनोड सेक्रीफाइस कर दिया गया, बिकॉज मैग्नीशियम एंड जिंक आर द मोर एक्टिव मेटल्स. अच्छा, मोर एक्टिव मेटल्स ही यूज करने हैं एंड दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, इनके इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स प्रोसेस से स्टार्ट कर देंगे, आयरन और मैग्नीशियम रस्टिंग जो है इट इज स्लोड डाउन एंड दिस मेथड इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन. दैट मीन्स आयरन ऑब्जेक्ट बिकम्स कैथोड नाउ एंड देर इज अ सेक्रीफिशियल एनोड जिसकी बलि दे दी गई टू अवॉइड द रस्टिंग ऑफ दिस बिग आयरन ऑब्जेक्ट. तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ सेक्रीफिशियल एनोड. सेक्रीफिशियल एनोड में कौन से मेटल यूज कर सकते हैं, विच आर मोर एक्टिव, मोस्ट कॉमनली मैग्नीशियम और जिंक आर यूज. आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर नाउ.